Hi guys, this is Ravi Dhameja and you are on my channel RDX Rides India. In this video, you will enjoy my journey from Haridwar to Devprayag and back. Thank you for watching this. अब मैं निकला हूँ हरिद्वार से देवप्रयाग। इस रास्ते में मुझे मेरा एक कलीग भी मिलेगा, उसका नाम है कपिल, वो दिल्ली से है। दो दिन वो मेरे साथ रहेगा और देवप्रयाग के बाद he'll be back to Delhi and I'll resume my journey as solo again। ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ राजा जी टाइगर रिजर्व, जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश के रास्ते में है, और ये जो मेरे आगे बंदा चल रहा है ये है कपिल। सीन है लिटरली, पहले गंगा जी हमारे राइट साइड में थी, अब गंगा जी हमारे लेफ्ट साइड में है। मजा आ गया, देखते शुरू होंगे जिसमें मजा आएगा। वाह, पिछले 4-5 सालों से मैं साल में एक बार हरिद्वार और ऋषिकेश जरूर जा रहा हूँ। गंगा जी के आसपास जाके एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है and that actually refreshes and helps me। Good morning, now we are in Devprayag। This is actually a beautiful city। Le Devprayag ghum le, ye hai Devprayag। So mera actual plan Devprayag se aur aage jane ka tha, Oli tak। गाड़ी चला के थोड़ी हालत ख़राब थी, थोड़ी गाड़ी की कंडीशन वैसी थी कि मुझे डाउट हो रहा था। फिर हमने सोचा कि चलो देवप्रयाग में थोड़ा घूमते हैं, घूमने के बाद क्या टाइम बचेगा, कितना टाइम बचेगा, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है और क्या करना है। बट देवप्रयाग के इस रोड में आके इन घाटियों को देख के ये बात तो कन्फर्म हो गई थी कि अब मैं इसके आगे तो नहीं जाऊंगा और यही इंजॉय करूंगा। यहाँ हम एक लोकल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हमें जाना है संगम के पास, वहां पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बंदे को खुद को नहीं पता, ये बोल रहा है आगे जाओ, हमें भी नहीं पता जाना कहाँ है। लेट्स सी कहाँ जाते हैं, कौन मिलता है। तब तक आप मजा लो इन रोड्स का। इस तरह के ब्रिजेस मुझे नेपाल रूट में भी मिले थे और देख के बड़ा ही मजा आता है। अच्छी खासी हाइट पे हैं, धूप नहीं मिल रही है और वेदर काफी ठंडा है। जो धूप देखने में लग रही है, प्रैक्टिकली इससे टेम्परेचर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे आई वाज ट्राइंग डिफरेंट एंगल्स ऑफ माय कैमरा। बाइक निकल जाएगी, निकल लो आगे, बाइक निकलेगी निकलेगी। भाई आप यहीं के हैं क्या?
अब यहीं से जी यहाँ से तहसील से नीचे कहाँ जा आगे जाकर के थोड़ा मुड़ जाइए। थैंक यू अंकल। छोड़ दो इस गाड़ी को, छोड़ दो। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा। आजा तुम्हें आजा। एक बात तो जरूर है, इन पहाड़ियों में, वादियों में और घाटियों में, ऐसी जगह में रहने वाले लोगों में स्ट्रगल बहुत अलग तरह के होते हैं। हम आए हैं यहाँ पे टेम्पररी। भाई तहसील से नीचे जाने का रास्ता ये है? तहसील वाला रास्ता कौन सा है? आ जाओ हमारे पीछे। थैंक यू। समटाइम आपको मान लेना चाहिए कि आप सुपर लकी हैं। जब पहाड़ी इलाके में आपकी गूगल आंटी आपका सपोर्ट करना बंद कर देती है, ट्रस्ट मी वहाँ के लोकल्स, अगर कोई अच्छा बंदा आपको मिल जाए तो इस तरह जैसे वो हमारे आगे आगे चल रहे हैं, ये आपको पूरा आपकी मंजिल के करीब ले जाएंगे। अगर आप यहाँ पे भी देखें, व्यू बहुत अच्छा है, आपको व्यू दिख रहा है, बट जिस रोड पे हम चल रहे हैं वो रोड सिंगल है। लेफ्ट साइड में पूरा खुला पहाड़ और घाटी है, पूरा खुला पहाड़ है। जाएगी बाइक, जाती है महाराज ने बोल दिया, जाएगी मतलब जाएगी, देख के लेकिन कब। ये रोड, ये पतली गलियां हमारी उम्मीद से ज्यादा सक्रिय होते जा रही हैं। एक बाइक यहाँ से निकल जाए ये बहुत है। आई थिंक हम पहुंच गए फाइनली घाट पे। या महाराज संगम का रास्ता ही है ना नीचे? ये एक संगम है। पंडित जी, पंडित जी हम आए बॉम्बे से, ये आए हैं दिल्ली से। आपका परिचय दीजिए पंडित जी। ये हम इधर के तीर्थ पुरोहित लोग हैं, हमारा नाम है प्रमोद कुमार भट्ट, हम इधर के पुजारी लोग हैं। इधर जो है ये धाम का जो है पहला प्रयाग है, इसका नाम है देवप्रिया सुदर्शन क्षेत्र। पहली गंगा इधर से आ रही है, इसका नाम है भागीरथी, आती है गंगोत्री गौमुख से, और दूसरी रिवर आती है उधर से अलकनंदा बद्रीनाथ धाम से, इधर से। हाँ जी, हाँ जी, इस साइड से। उत्तम तो है ये, भला आदमी। यहाँ गंगोत्री से आ रही है भागीरथी रिवर, भागीरथी ये यहाँ पे आके तो ये मर्ज जा रही है। बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे, और एक आ रही है यहाँ से जो कि आ रही है अलग लगता है, पर ये यहाँ पे आके मिल जा रही है, और ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि ये मिल जा रही है। अंदर जा सकते तो मैंने ये सजेस्ट किया कि बेटर है हम टूवर्ड्स नीलकंठ जाते हैं, राइड बहुत अच्छी है नीलकंठ जाने के लिए। वहाँ से ऋषिकेश जाएंगे, रात में ऋषिकेश में रुकेंगे,
विल रोम अराउंड इन ऋषिकेश एंड वहां से हम अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। दो हम आए भी इसी रास्ते से थे, जा भी इसी रास्ते से रहे हैं। आई एक्चुअली डोंट नो क्यों मुझे ये रास्ता बहुत अलग, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम देवप्रयाग प्रयाग आए थे कल रात को। रोड यार उत्तराखंड में बाकी सब ठीक है, बट ये जो सर्कस है रोड्स की, ये एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमसम है। रोड स्मूथ होने चाहिए, आई गेस उत्तराखंड का ओवरऑल टूरिज्म ही बहुत बढ़ जाएगा। किसी को बैक प्रॉब्लम है वो शायद कार में भी आए या किसी में भी आए, उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी। मेरे को बैक प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बट हाँ बॉडी में स्ट्रेन बहुत है बिकॉज काफ़ी सारी बाइक चला ली। अभी तक मैं 1950 के आसपास बाइक चला चुका हूँ, 1950 किलोमीटर, तो बाइक बहुत चला ली है। और उसके बाद मेरी बाइक है भी कैफे रेसर, तो कैफे रेसर बाइक में इस टाइप के ट्रैक पे जाना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। एक तो उसकी पोजिशनिंग, और पोजिशनिंग के बाद ओवरऑल एक्सपीरियंस कैफे रेसर का बहुत डिफरेंट होता है। आपका पोस्चर, गाड़ी के कंट्रोल, गाड़ी की हैंडलिंग अनडाउटेडली इसमें क्वाइट डिफिकल्ट है। एक बात और, ये रोड्स जितने अच्छे लग रहे हैं, रोड्स नहीं आई वुड से नज़ारा जितना अच्छा लग रहा है, रात में इस घाटी में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। मैंने चलाई थी बिकॉज I was forced by Kapil and trust me that was a wrong decision. Similar route था जब मैं नेपाल गया था, but नेपाल के roads बहुत अच्छे थे। नेपाल में खराब patches थे ही नहीं, I would say छोटी सी country है but खराब patches नहीं थे। यहाँ पे खराब patches बहुत ज़्यादा हैं, तो नेपाल भी मैं same गाड़ी से गया था बट स्ट्रगल इतने नहीं था क्योंकि रोड खराब नहीं था। दो आई अंडरस्टैंड इस गाड़ी से इस टाइप के रूट पर जाना ही डिफिकल्ट है। ओह गॉड, मैं बहुत एज पे चल रहा हूँ, ये बहुत रिस्की है। मैंने ये सब कुछ जान बूझ के नहीं किया, ये रोड की कंडीशन ऐसी है और रोड पे ट्रैफिक ऐसा था, बट ये क्रॉस करने के बाद जो नज़ारा है, आई थिंक इतना रिस्क लेना तो बनता है, आई गेस बनता है इतना रिस्क लेना। इंडिया के बाहर मेरे को कोई इंटरेस्ट है नहीं, और इंडिया में तो ये और नो डाउट इस कैमरे पे मेरे को जितने डाउट्स थे और मैं रिग्रेट कर रहा था बिफोर यूजिंग कि इसमें कंट्रोल नहीं होगा, ऑन ऑफ कैसे होगा, गाड़ी चलाते चलाते ऑन ऑफ करना पड़ेगा, बट कैंपार्क का ये जो कैमरा है जो वाईफाई से आपके फोन से कनेक्ट होता है, और फोन से कनेक्ट करने के बाद यू कैन ऑपरेट इट वेरी वेल। बट हाँ, इसको ऑपरेट करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो ग्लव्स हैं वो टच सेवी होने चाहिए, टच कंपैटिबल होने चाहिए। अगर टच कंपैटिबल ग्लव्स हैं आपके तो लाइफ की प्रॉब्लम आपकी सॉर्टेड है, ये प्रॉब्लम तो एटलीस्ट नहीं है। थोड़ा आराम से, गलत गच पे खड़ा तू। इस टर्न पे जो खूबसूरती है, हम चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाए और हमें रुकना ही पड़ा। यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर है, बहुत खूब।
पड़ी हमारी सवारी फिर से। यहाँ से इस टाइम अब मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश है कि हम यहाँ से जल्दी निकलें। जैसा मैंने पहले भी बोला, रात में इन रोड्स में गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है। ट्रस्ट मी, ये रोड्स एंड नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है, बट निकलना तो पड़ेगा। ये हम फिर रुक रहे हैं, नहीं रोक पाए खुद को, फिर से रुकना पड़ रहा है। एक्चुअली वी कैन से वी आर फोर्स टू स्टॉप बाय एंड टेक सम पिक्चर्स एंड हैव अ ब्यूटीफुल व्यू। आई डोंट थिंक सो हमको ये व्यू बार बार देखने मिलेगा। सो गाइज, ये था मेरा दूसरा पड़ाव देवप्रयाग। अब हम निकलते हैं यहाँ से, मिलेंगे अमृतसर में।